सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल सी ए टी वी। और अब हम पढ़ने वाले हैं बचे हुई चीज़ें जो है प्रोफेशनल एथिक्स की, जो रिमेनिंग जो चीज़ें है, स्टफ है, प्रिंसिपल्स, सी ए एक्ट है, के वाई सी नॉर्म्स है, सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स है, और फिर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस है। ये सब चीज़ ये सब हम पढ़ेंगे और अप्रॉक्स 40 से 50 मिनट में ये हो जाएगा ख़त्म। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स जो है ये सिद्धांत है जो सी ए को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले इंटीग्रिटी। तो सीए को क्या फॉलो करना पड़ता है, सबसे पहले पांच में नाम फटाफट बोल देता हूँ। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। तीस तरीके से जो है ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले बात आती है इंटीग्रिटी की। तो इंटीग्रिटी में क्या बोला है कि ऑब्लिगेशन टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो सीए है ना वो बकायदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल होना चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए और इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए। उसके काम उसके रिलेशंस में आर्डर नहीं आए तो इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए। ही शुड डिसोसिएट इफ ही बिलीव दैट इन्फॉर्मेशन इज मटेरियली फॉल्स। अगर उसको कुछ लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन मटेरियली फॉल्स जो है सबमिट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी सबमिट कर रहे हैं वो मटेरियली फॉल्स सबमिट कर रहे हैं, नेग्लिजेंटली जो है इन्फॉर्मेशन जो है सबमिट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नेगलिजेंटली सबमिट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सबमिट ही नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो फॉल्स सबमिट कर रहे हैं। देखो, या तो तुम नहीं कर रहे हो, कर रहे हो तो बहुत ही फॉल्स कर रहे हो या बहुत ही नेगलिजेंट हो रहे हो, तो उस केस में फिर अपने आप को डिसोसिएट करो कि ऐसे केस में फिर तो कोई मतलब ही नहीं, कॉपरेशन ही नहीं मिल रहा है। तो फिर आ जाती है ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी में बोला है डोंट कॉम्प्रोमाइज ड्यूटी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंटीग्रिटी में हमने अगर देखे तो देखिए कि जो है पर्सन को इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यूनियन में चलना चाहिए, उसका उससे काम के प्रति वफादारी होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी की अगर बात देखें तो ऑब्जेक्टिविटी में यही बोला है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज ड्यूटी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो ड्यूटी है कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किसी के इन्फ्लुएंस है तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस से हम हमारे जजमेंट को जो है अफेक्ट नहीं करेंगे। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण या किसी के इन्फ्लुएंस के कारण हम हमारी ऑब्जेक्टिविटी, हमारे प्रोफेशनल जजमेंट को हम अफेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस हम हमारे प्रोफेशनल जजमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे। फोकस ये जजमेंट। अगर ऐसा बोल के रखते हैं कि ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर हम हमारे ओपिनियन को अफेक्ट नहीं करेंगे, तो ये होता है इंडिपेंडेंसी। तो ओपिनियन होता तो इंडिपेंडेंसी अफेक्ट होती, पर अगर हम हमारे जजमेंट अफेक्ट करते ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स और ड्यू टू जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सामने वाला अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, उससे अगर मेरे जजमेंट अफेक्ट हो रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिविटी में खतरा है, पर अगर मेरा ओपिनियन अफेक्ट हो रहा है तो ये इंडिपेंडेंसी का खतरा है। तो अगर मैं जजमेंट को चेंज कर रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्टिविटी नहीं फॉलो कर रहा हूँ, और मेरा ओपिनियन अफेक्ट कर रहा हूँ तो इंडिपेंडेंसी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ये ओपिनियन के रिस्पेक्ट में जो चीज़ थी इस पर MCQ में क्वेश्चन आया था, तो MCQ में क्वेश्चन आया था इसलिए ऐसी बातें इसमें करी गई है। कॉन्फिडेंशियलिटी देखें तो डू नॉट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, जो इन्फॉर्मेशन आपने एक्वायर करी है आप इसको डिस्क्लोज थोड़ी ना करोगे। और डोंट यूज सच इन्फॉर्मेशन इन पर्सनल एडवांटेज। और आप वही इन्फॉर्मेशन को इनसाइडर ट्रेडिंग पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज़ नहीं करोगे, ना ही आप किसी को डिस्क्लोज करोगे। कॉन्फिडेंशियलिटी उसको भी बोलते हैं कि अगर मैंने इसको किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं करी पर मैंने ही उसका एडवांटेज ले लिया तो हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करें कि तो हमको प्रोफेशनल बिहेवियर रखना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करें तो हमें कंप्लायंस करना पड़ेगा, बिहेवियर हमको हमारा बिहेवियर प्रॉपर करना पड़ेगा, हमको कंप्लायंस करना पड़ेगा लॉज का, रेगुलेशन का। हमको कोई से भी ऐसे एक्शन नहीं करने हैं जिससे डिसरिप्यूट क्रिएट हो, और हमको लॉज, रेगुलेशन, रूल्स और गाइडलाइंस का कंप्लाई करना पड़ेगा, और हमको कोई से भी ऐसे एक्शन नहीं लेने हैं जिससे डिसरिप्यूट क्रिएट हो। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, और बाकायदा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर तो रखनी पड़ेगी। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर मतलब ऐसा है कि ऊपर तो बोला है प्रोफेशनल बिहेवियर रखना, बिहेवियर मतलब कंप्लायंस रखना, और कोई सा भी एक्शन मत करना जिससे डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट हो। तो ये तो हमको करना ही करना है, प्लस हमको साथ ही साथ कॉम्पिटेंट भी होना है। कॉम्पिटेंट मतलब ऐसा होता है कि हमको प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, हमको डिलीजेंटली एक्ट करना चाहिए। तो हमें क्या है, क्या बोला गया है कि हमको जो है प्रोफेशनल
नॉलेज, हमको प्रोफेशनल नॉलेज मेंटेन रखना चाहिए, तो हमको बकायदा प्रोफेशनल नॉलेज मेंटेन रखना चाहिए और स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए, डिलीजेंटली वर्क करना चाहिए, ड्यू डिलीजेंस फॉलो करना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, स्केप्टिक होना चाहिए, नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए और प्रोफेशनल सर्विस, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस हमको देनी चाहिए। तो इस तरीके से बात करी गई है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज को, स्किल को मेंटेन करना चाहिए, डिलीजेंटली हमको उसको एक्ट करना चाहिए, एक्ट डिलीजेंटली, अलर्ट और स्केप्टिक होना चाहिए, फॉलो नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए एंड गिव कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस, और कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस देनी चाहिए। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कुछ इस तरीके की बात कर रहा है, पर अब बात यह है कि ये सब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फुलफिल करने में थ्रेट्स होते हैं जो बीच में आड़े आते हैं, अड़चने होती हैं, कुछ थ्रेट्स होते हैं। तो वो क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, तो इसके पहले हमने क्या देखा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी में है, ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपका जजमेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी में कोई सी इन्फॉर्मेशन दूसरों को डिस्क्लोज नहीं करनी है, ना तो इस इन्फॉर्मेशन से खुद को कोई पर्सनल एडवांटेज गेन करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करी तो हमने क्या समझा कि प्रोफेशनल बिहेवियर रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, प्लस प्रोफेशनल बिहेवियर में हमने ये पढ़ा कि ऐसे एक्शन नहीं करना चाहिए जिससे डिस्प्यूट क्रिएट हो। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर की अगर हम बात करें तो हमको अपडेटेड होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, स्केप्टिक होना चाहिए, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस हमको जो है देनी चाहिए। सेफगार्ड्स, अब प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करने में हमको प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में कुछ थ्रेट्स होते हैं, उस पर सेफगार्ड्स है, पर जो प्रिंसिपल्स है इस पर थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स क्या है वाइल्ड फॉलोइंग प्रिंसिपल, तो हम पहले वो देखते हैं कि थ्रेट्स क्या है वाइल्ड फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो बोला गया है कि सबसे पहले थ्रेट होता है एक तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ये है कि हम हो सकता है ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करें ड्यू टू दिस थ्रेट्स। तो थ्रेट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला ही थ्रेट है जैसे कि मेरा फिनेंशियल इंटरेस्ट, या फिनेंशियली डिपेंडेंट हूँ मैं क्लाइंट पे, अगर हमारा फिनेंशियल इंटरेस्ट है, मैं किसी क्लाइंट पे फिनेंशियल डिपेंडेंट हूँ, या क्लाइंट मेरा हैवी क्लाइंट है, लार्ज क्लाइंट है, और मेरे अंदर फियर है कि मैं वो लूज़ कर दूंगा, वो बिग क्लाइंट जो है मैं उसको लूज़ कर दूंगा, तो फियर ऑफ लूजिंग बिग क्लाइंट, या मेरा क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है और मैं फिनेंशियल डिपेंडेंट हूँ उस क्लाइंट पे, तो उसके बाद मनी पावर है, तो मनी पावर है तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। तो सिंपल सी बात है, मनी पावर की बात कर लेते हैं। तो क्लाइंट है, मनी पावर है, फिनेंशियल इंटरेस्ट है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फिनेंशियल डिपेंडेंस है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, बिग क्लाइंट है, उसको लूज़ करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया। फिर बात आती है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट में क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व इन डिज़ाइन सेल्फ रिव्यू, मतलब कि एक थ्रेट ऐसा हो सकता है कि हम खुद ही उसके फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है, हम खुद ही वो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और मॉनिटर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और उसका ही ऑडिट कर रहे हैं, तो एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आया, फिर एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट आया। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या बोलता है कि हम खुद ही उस फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और हम ही उसका ऑडिट कर रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी कि हम खुद ही डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं ऑडिट का, और या तो एक चीज़ हो गई कि इंगेजमेंट टीम का पर्टिकुलर मेंबर जो है वो उस क्लाइंट में डायरेक्टर है, उस क्लाइंट की जगह पे डायरेक्टर है, ऑफिसर है, या एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पे है जिससे एक इन्फ्लुएंस वो दे सकता है। तो अगर उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जिससे वो इन्फ्लुएंस दे सकता है तो ये सब चीज़ें इधर कवर है। तो जो हमने पढ़ा कि हम फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, मेंटेन कर रहे हैं और उसी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का हम ऑडिट कर रहे हैं। फिर अगर हमने ये पढ़ा कि डेटा प्रिपरेशन हो रहा है, इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डेटा, इन्वॉल्व्ड इन डेटा प्रिपरेशन में, और वही डेटा ऑडिट के लिए यूज़ होगा, या इंगेजमेंट टीम का पर्टिकुलर मेंबर जो है वो क्लाइंट का ही जो है डायरेक्टर, ऑफिसर, या क्लाइंट की पोजीशन पे, क्लाइंट के बिजनेस में ऐसी पोजीशन पे जिससे एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है। तो हमने पढ़ा एक तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और एक पढ़ा हमने सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फिर आता है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट में क्या बोल रहे हैं कि हम किसी क्लाइंट को प्रमोट करते हैं, उसी क्लाइंट को ऑडिट हम नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लाइंट को शेयर इशू करवाना था तो हमने क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया, उसके प्रॉस्पेक्टस को इशू कराने में मदद करी, या बोल सकते हैं कि क्लाइंट को कहीं रिप्रेजेंटेशन देना था तो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया कोर्ट में कंपनी के प्रति, कंपनी के बिहाफ पे, तो उस केस में हम कंपनी ऑडिट करके ऐसा इम्पार्शियल एटीट्यूड शो नहीं कर पाएंगे। फिर फैमिलैरिटी थ्रेट क्या होता है, फैमिलैरिटी थ्रेट ये होता है कि इंगेजमेंट टीम का पर्टिकुलर मेंबर, जैसे इंगेजमेंट टीम का मेंबर इस पर्टिकुलर क्लाइंट की जगह पर डायरेक्टर, इम्प्लॉय या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंट वाली पोजीशन में था,
इसमें ये बोला गया रखा है कि इंगेजमेंट टीम का पर्टिकुलर मेंबर क्लाइंट के डायरेक्टर ऑफिसर या जो एम्प्लॉय है जो एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पे है उसका ही रिलेटिव है। तो समझो कि क्लाइंट का डायरेक्टर है और इंगेजमेंट टीम का मेंबर है, तो आपकी इंगेजमेंट टीम पे एक पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे कि आप, तो आप इंगेजमेंट टीम के पर्टिकुलर पर्सन हो और आपके ही रिलेटिव, तो जैसे आपके ही पापा जो है वो उस क्लाइंट में के कंपनी में जो है, जैसे कि इंगेजमेंट टीम का रिलेटिव मतलब आप, इंगेजमेंट टीम के मेंबर मतलब आप, और आप ही क्लाइंट के जो डायरेक्टर है जैसे पापा उनके रिलेटिव हैं, तो क्लाइंट के डायरेक्टर हुए पापा, तो आपका और पापा का रिलेशन है, रिलेटिव हो ना, रिलेशन आ गया, तो आप जो है उस फॉर्म में ऑडिट तो नहीं कर पाओगे, उस ऑडिट में आप इम्पार्शियल एटीट्यूड तो रख नहीं पाओगे। फिर अगर आप ये फैमिलियरिटी ट्रेट है, फैमिलियरिटी ट्रेट में और भी चीज़ आ सकती है, जैसे कि आप क्लाइंट से गिफ्ट एक्सेप्ट करते हो तो थोड़ा सा बिहेवियरल ये चलता है कि लॉन्ग एसोसिएशन है क्लाइंट के साथ आपका, तो ये थोड़ा सा बिहेवियरल चलता है। तो फिनेंशियल जो है ये फैमिलियरिटी साइड, ये बिहेवियरल चलता है, बिहेवियरल, और ये थोड़ा सा बिहेवियरल एस्पेक्ट है। और रही बात है सेल्फ इंटरेस्ट का, तो ये है मनी एस्पेक्ट। तो इस तरीके से जो है हमने ये चीज़ों को समझा है। फिर बात आती है इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब ये है कि क्लाइंट ने खुद ने ही थ्रेटन करके रखा है कि हम लिटिगेशन कर देंगे, हम आपको रिप्लेस कर देंगे, और क्लाइंट प्रेशराइज कर रहा है, क्लाइंट ने थ्रेट करा कि हम लिटिगेशन कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे आपको, या प्रेशराइज कर रहा है वर्क को रिड्यूस करने के लिए, तो एक तरीके से इंटिमिडेशन थ्रेट है। तो अगर क्लाइंट थ्रेट कर रहा है, क्लाइंट प्रेशराइज कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, थ्रेट काहे के लिए कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, सबसे पहले थ्रेट कर रहा है कि हम लिटिगेशन कर देंगे, और थ्रेट कर रहा है कि हम जो है आपकी फ़ीस को कम कर देंगे, आपको रिप्लेस कर देंगे, और प्रेशराइज दे रहा है कि आपके वर्क को हम रिड्यूस कर देंगे। तो अगर इस तरीके से बात अगर चल रही है तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट है। तो थ्रेट बढ़े, अब इसके सेफ गार्ड क्या है? देखो प्रिंसिपल्स आपको मेंटेन करने हैं, प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं। तो जब बात आती है कि आपको जो है, जब आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो प्रिंसिपल्स फॉलो करने के साथ साथ आपको कुछ सेफ गार्ड भी मेंटेन करने पड़ते हैं। वो प्रिंसिपल फॉलो करने में कुछ थ्रेट है और कुछ सेफ गार्ड है। तो सेफ गार्ड क्या है? तो सेफ गार्ड ये है कि किस तरीके से हम वह उसको प्रिंसिपल्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो सेफ गार्ड ऐसे है कि प्रोफेशनल लेजिस्लेशन और रेगुलेशन, तो बाय सेफ गार्ड है अगर देखा जाए तो लेजिस्लेशन, रेगुलेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज डिसेमिनेशन, कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो इन सब की बात चल रही। तो किसकी बात चल रही? कि ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेफ गार्ड में हम ऐसी बात करें कि यार पर्टिकुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस पीपल होना चाहिए, नॉलेज का डिसेमिनेशन होना चाहिए। तो ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज डिसेमिनेशन है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है तो इंसान जो है, सेफ गार्ड ये है कि प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पीपल होने चाहिए, नॉलेज में नॉलेज डिसेमिनेशन, तो ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज डिसेमिनेशन। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ये सब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने ना, ये इंस्टीट्यूट ने इशू करके रखे हैं। ये अगर देखा जाए तो सेफ गार्ड जो है इंस्टीट्यूट ने इशू करके रखे हैं कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, नॉलेज डिसेमिनेशन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, सर्कुलर से, गाइडलाइंस से, नोटिफिकेशन से, पीयर रिव्यू करवाती है। तो इस तरीके से जो है इंस्टीट्यूट ने खुद ने भी कुछ सेफ गार्ड ऐसे इम्पोज करके रखे ताकि अपडेटेड हो चीज़ें। पर अगर इंगेजमेंट के स्पेसिफिक देखें तो हर एक इंगेजमेंट के रिस्पेक्ट में अपने अपने सेफ गार्ड्स होते हैं। तो ये जो सेफ गार्ड्स है ये तो जनरलाइज है कि यार ये जो इंस्टीट्यूट ने प्रेशर डाल के रखा है, इंस्टीट्यूट ने एक तरीके से जो है ये ट्रेनिंग वेनिंग ये सब दे के रखी है। पर इन द फॉर्म ऑफ इंगेजमेंट, अगर इंगेजमेंट फॉर्म के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंगेजमेंट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? ये तो इंस्टीट्यूट ने करा है। इंगेजमेंट फॉर्म किस तरीके से सेफ गार्ड लगा सकती है ताकि लोग प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और थ्रेट से अफेक्टेड नहीं हो? तो किस तरीके के सेफ गार्ड लगा सकती है? वो सेफ गार्ड ये लगा सकती है, जैसे फॉर्म स्पेसिफिक देखें तो इन द फॉर्म, सबसे पहले इंगेजमेंट स्पेसिफिक और फॉर्म स्पेसिफिक। तो फॉर्म स्पेसिफिक क्या है कि फॉर्म के अंदर हो सकता है प्रॉपर लीडरशिप होनी चाहिए, तो फॉर्म के अंदर जो है वो लीडरशिप होनी चाहिए, प्रॉपर लीडरशिप होनी चाहिए, जो पॉलिसीज, प्रोसीजर, गाइडलाइंस जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए, इन सबको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, एंड सच कम्युनिकेशन भी करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होनी चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको डेलीगेट करना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, एक डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच विद द अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर,
दस लाइन इज क्लियरली डिसर्निबल, तो बोला ये गया है कि प्रॉपर मैनेजमेंट या गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है फॉर्म के अंदर होना चाहिए, एक वो गवर्नेंस और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए जो इन लाइन ऑफ रिलेशनशिप क्लियरली डिसर्निबल हो, जो क्लियरली शो करे। तो प्रॉपर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, प्रॉपर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए और जो क्लियरली डिसर्निबल हो कि पता चले कि हमको किसको रिपोर्ट करने का है। तो लीडरशिप है, पॉलिसीज़ होती है, प्रैक्टिसेस होते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, ट्रेनिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, गवर्नेंस की पॉलिसीज होनी चाहिए, सारी पॉलिसीज़ को जो है इंटरनल सारी पॉलिसीज होनी चाहिए, सारी पॉलिसीज को कम्युनिकेट करना चाहिए और बकायदा एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए और ये स्ट्रक्चर साफ साफ दिखना भी चाहिए कि ये स्ट्रक्चर है। फिर अगर बात करें कि इंगेजमेंट स्पेसिफिक सेफगार्ड की, तो इंगेजमेंट स्पेसिफिक सेफगार्ड में ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि इंगेजमेंट के रिस्पेक्ट में, पर्टिकुलर इंगेजमेंट के रिस्पेक्ट में हम सेफगार्ड कैसे ले सकते हैं, हम सेफगार्ड ऐसे ले सकते हैं कि हमको प्रिंसिपल्स मेंटेन करने हैं। देखो सिंपल सी बात है कि हम सेफगार्ड्स क्यों कर रहे हैं, हम सेफगार्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रिंसिपल मेंटेन करना है, और जब हमको प्रिंसिपल मेंटेन कर रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। हमें जो है सिंपल सी बात है, हमें सीनियर पर्सनल होना चाहिए हर एक इंगेजमेंट टीम में, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंगेजमेंट टीम में, बकायदा सीनियर पर्सनल होना चाहिए, एक्सपर्ट का यूज़ करना चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए क्लाइंट के साथ, फिनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए क्लाइंट के साथ, और कभी एक्सपर्ट की मदद हो तो हम एक्सपर्ट की मदद भी यूज़ कर सके। टर्म्स एंड कंडीशन, स्कोप, डेलीगेशन ऑफ वर्क, ये सब प्रॉपरली डिसाइडेड होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये सब जो जनरल चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें इधर बोली गई है कि सीनियर पर्सनल होना चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंटेंट होना चाहिए, थर्ड पार्टी होना चाहिए जो आपके काम को रिव्यू करे, कम्युनिकेशन होना चाहिए पर्टिकुलर मैटर का TCWG को टाइम टू टाइम, रोटेशन ऑफ ऑडिटर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कंसल्टिंग करनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, स्कोप जो है स्कोप क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम अगर रखें ये सब पॉलिसी, ये सब इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हम इससे जो है सेफगार्ड्स है, इससे थ्रेड जो है थ्रेड में कमी आएगी और प्रिंसिपल्स हम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमने ये पढ़ा कि इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से क्या करा है, हम अपने से क्या कर सकते हैं, कि इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से क्या कर क्या सेफगार्ड लगाए हैं, फॉर्म अपनी तरफ से क्या क्या सेफगार्ड लगा सकता है, और इंगेजमेंट स्पेसिफिक सेफगार्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसी बातें करते हुए अब हम बढ़ते हैं CA एक्ट के प्रोविजन्स पे। CA एक्ट के प्रोविजन से देखा जाए तो कुछ कुछ मेन प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन टू सबसेक्शन टू ये बोलता है कि मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा, या फर्म जो है इंडिविजुअल हो या फर्म हो, डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा अगर ये फॉलोइंग सर्विसेज दे रहा हो। तो फॉलोइंग सर्विसेज में ऐसी चार सर्विस थी, तो चार सर्विस कौन सी, कि वो इंगेज कर रहा है हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, परफॉर्म कर रहा है ऑडिट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन, और होल्ड हिमसेल्फ आउट टू पब्लिक एज अकाउंटेंट। तो परफॉर्म क्या कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है ऑडिटिंग, तो परफॉर्म कर रहा है ऑडिटिंग, तो हैव सर्टिफिकेट, तो परफॉर्म क्या कर रहा है वो परफॉर्म क्या कर रहा है तो परफॉर्म क्या कर रहा है वो जैसे कि होल्ड हिमसेल्फ टू पब्लिक एज अकाउंटेंट। तो सबसे पहले होल्ड हिमसेल्फ टू पब्लिक एज एन अकाउंटेंट, तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा, वो इंडिविजुअल हो या फर्म हो, शैल बी डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा अगर वो फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन कंसिडरेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब अगर वो फ्री में रिटर्न भर रहा है तो वो जो है मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। अब मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस जो है वो कौन कौन सी जो है सर्विसेज देता है, ये फॉलोइंग सर्विसेज की बात करिए, इंगेज हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, वो अपने आप को अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में इंगेज करता है, वो परफॉर्म करता है ऑडिटिंग, वो फिनेंशियल स्टेट वो जो रिकॉर्ड्स है और जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई भी करता है, या स्टेटमेंट और अकाउंट्स को जो है सर्टिफाई भी करता है। तो वो ऑडिट की सर्विस दे रहा है, अकाउंटेंसी में है, वेरिफिकेशन कर रहा है, सर्टिफिकेशन कर रहा है, वो होल्ड हिमसेल्फ आउट टू पब्लिक एज अकाउंटेंट, वो अपने आप को होल्ड हिमसेल्फ आउट, वो अपने आप को एज एन अकाउंटेंट शो कर रहा है, भले ही अभी उसके पास क्लाइंट नहीं हो, पर ही ऑफर हिमसेल्फ टू बी एन अकाउंटेंट, वो हो जाएगा अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस मान लिया जाता है, मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाता है। वो रेंडरिंग कर रहा है, प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, वो असिस्टेंस दे रहा है अकाउंटिंग प्रोसीजर में कि आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे फॉलो करनी चाहिए, आपको असिस्टेंस दे रहा है रिलेटिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट, और वो सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट तो असिस्टेंस रिलेटिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट, बकायदा वो सर्टिफिकेशन में आपको मदद कर रहा है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड सर्विस देता है, वो ऑडिटिंग की सर्विस दे रहा है, वो अकाउंटिंग प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने में मदद कर रहा है, वो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है,
वो सर्टिफाई कर रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट, वो अपने आप को होल्ड हिमसेल्फ आउट टू पब्लिक एज एन अकाउंटेंट है। तो ये सब चीज़ें अगर कर रहा है तो वो मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाता है, क्योंकि वो सब ये सब चीज़ें कर सकते हैं। पर इसमें एक फोर्थ वाले में था कि रेंडर अदर सर्विस इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल, काउंसिल की ओपिनियन में जो है वो कुछ अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है रेंडर बाय द CAIP। और अदर सर्विसेज में जो कवर है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर सर्विसेज कवर है। तो देखा जाए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में तो कौन कौन सी चीज़ें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज आती है, मतलब CA इन प्रैक्टिस जो है मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस मेंबर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विस भी दे सकता है। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड नहीं है स्टैचुटरी ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट, क्योंकि वो तो पहले ही कवर है। तो स्टैचुटरी, पीरियोडिकल ऑडिट, टैक्स रिप्रेजेंटेशन, टैक्स एडवाइस, लिक्विडेटर, रिसीवर, ट्रस्टी, आर्बिट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं है। तो दो ऑडिट के जो है स्टैचुटरी और पीरियोडिक ऑडिट ये इंक्लूड नहीं है, दो टैक्स के टैक्स कंसल्टेंसी और टैक्स मैनेजमेंट जो है टैक्स एडवाइस ये इंक्लूड नहीं है, और फिर रट लिया रिसीवर, आर्बिट्रेटर, ट्रस्टी, लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरीके से जो है ये सब भी जो है ये कवर नहीं है। तो फिर क्या इंक्लूड है, इंक्लूड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज। एग्जीक्यूशन नहीं करता ये मैनेजमेंट करता है, ये कंसल्टेशन करता है, ये रिकवरी नहीं करता। तो रिकवरी नहीं करना, एग्जीक्यूशन नहीं करना, बल्कि कंसल्टेंसी करना, मैनेज करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज, मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज। कुछ कुछ ऑडिट इसमें कवर है, ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, क्वालिटी, इन्वायरमेंट, एनर्जी ऑडिट है, वैल्यूअर हो सकता है, एडवाइजर टू इशू हो सकता है, पर पोर्टफोलियो सर्विस, बैट सर्विस और ब्रोकिंग सर्विस नहीं कर सकता। कंसल्टेंट बन सकता है पर उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, एडवाइस कर सकता है, वो प्रॉस्पेक्टर ड्राफ्ट करने में मदद कर सकता है, ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस में मदद कर सकता है, और लिस्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में मदद कर सकता है, वेरियस एजेंसीज के थ्रू अंडर राइड करवाना है उसमें मदद कर सकता है, पोस्ट इशू एक्टिविटीज़ में मदद करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट बनाने में मदद करता है, बट पोर्टफोलियो अंडर राइटिंग, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकिंग सर्विसेज नहीं दे पाता। फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट भी बन सकता है। तो इस तरीके से जो है ये सर्विसेज देता है, जैसे पर्सनल रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, क्लाइंट के बिहाफ में वो पर्सनल को रिक्रूट कर लेगा, पर्सनल का सिलेक्शन कर लेगा, वो भी कर सकता है। और फिर ये बात आती है कि वो वेज प्लान और इंसेंटिव प्लान को सेट करने में मदद करता है, कि हेल्सी रोवन प्लान बनाना है, कि किस तरीके से हमको वेजेस के प्लान बनाने हैं, उसको सेट करने में मदद कर सकता है, पर वो सेट करने में मदद कर सकता है, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, पर वो बनाने में मदद कर देगा। फिर एक आता है सेक्शन 6, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो इसके पहले जो अभी हमने सेक्शन पढ़ा, सेक्शन में फटाफट यही था कि स्टैचुटरी ऑडिट है, पीरियोडिकल ऑडिट है, टैक्स एडवाइजरी, टैक्स रिप्रेजेंटेशन ये सब नहीं दे सकता, रिसीवर, आर्बिट्रेटर, ट्रस्टी, लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर ये सब नहीं दे सकता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इसकी सर्विसेज दे सकता है, ये क्वालिटी, एनर्जी, इन्वायरमेंटल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट ये दे सकता है, वैल्यूअर बन सकता है, एडवाइजर टू इशू बन सकता है, प्लस प्रॉस्पेक्टस ड्राफ्ट करने में कहाँ से हमको पैसे उठाने हैं, लिस्टिंग प्रोसीजर में हेल्प कर सकता है, किस एजेंसीज के थ्रू अंडरराइटिंग करवानी है उसमें मदद कर सकता है, पर खुद अंडरराइट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ब्रोकिंग की सर्विस नहीं दे सकता। कंसल्टेंट बन सकता है, रिक्रूटमेंट भी कर सकता है, प्लान को भी सेटअप कर सकता है, पर उसको वेजेस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो है रिकवरी कंसल्टेंट बन सकता है, रिकवरी में कंसल्टेंट बन सकता है, पर रिकवरी का एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकता। तो इस तरीके से जो है हमने जो है पर्टिकुलर सेक्शन 2 का क्लॉज 2 पढ़ा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 पढ़ा करने, क्योंकि इसमें CA प्रोविजंस में ये पर्टिकुलर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 6 आता है, फिर सेक्शन 6 ये बोलता है कि प्रैक्टिस ओनली व्हेन यू हैव COP। सेक्शन 6 ये बोलता है कि जब COP होता है तभी प्रैक्टिस करते हैं। वो जो मेंबर है वो प्रोविजंस और रेगुलेशन से बाउंड होते हैं, भले वो मेंबर हो सर्विस में या मेंबर हो प्रैक्टिस में। तो COP होता है तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप प्रोविजंस और रेगुलेशन से बाउंड होते हो। और मेंबर अपियर होते हैं ITAT में ओनली इन कैपेसिटी ऑफ CA। तो मेंबर ITAT, अब आप मेंबर हो चुके हो तो आप ITAT में अपियर हो सकते हो ओनली इन कैपेसिटी ऑफ CA। तो अगर कभी मेंबर है उसका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट सरेंडर हुआ है, तो उसका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट सरेंडर हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंबर नहीं है,
उसका COP नहीं है, तो सिंस वो मेंबर है तो मेंबर है तो वो तो बाउंड बाय द प्रोविजंस एंड रेगुलेशन है। अब सिंस बाउंड बाय प्रोविजंस एंड रेगुलेशन है तो वो पर्टिकुलर CA इन प्रैक्टिस जो एंगेजमेंट करता है वो सच एंगेजमेंट किसी अनादर कैपेसिटी में नहीं कर सकता, जैसे कि उसने लॉयर की कैपेसिटी में एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो मेंबर है उसको प्रोविजंस एंड गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। उसका सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है वो सरेंडर हुआ है, तो सरेंडर हुआ है पर वो फिर भी मेंबर है, और मेंबर है तो बाउंड बाय द प्रोविजंस रेगुलेशन गाइडलाइंस है, तो वो ही सच एंगेजमेंट किसी दूसरी कैपेसिटी में नहीं ले सकता। फिर कुछ रेगुलेशंस की बात हुई है कि कैंसिलेशन ऑफ COP, कि आपका COP कब कैंसिल हो सकता है। अभी हमने पढ़ा था कि आपका COP कैंसिल हो सकता है या प्रैक्टिस सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकते हैं, तो कब कब आपका जो है कैंसिलेशन होगा COP का, कब आपका COP कैंसिल हो सकता है। तो बोला गया है कि आपका जब आपका नाम रजिस्टर्ड से रिमूव होता है तो मान लिया जाता है कि आपका कैंसिलेशन हो गया COP का, या जो आपने सर्टिफिकेट जो है इशू करा था इंस्टीट्यूट ने वो बेस्ड ऑन इनकरेक्ट मिसलीड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, आपने कोई इनकरेक्ट मिसलीड या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी उसके बेसिस पर सर्टिफिकेट इशू हुआ, और या तो आपने प्रैक्टिस छोड़ दी या आपने एनुअल फीस पे नहीं करी अप टू 30 सितंबर, पर अगर आप बाद में पेमेंट करते हो तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो है वो कैंसिलेशन वापस रेक्टिफाई हो जाता है। तो कब कब बोल सकते हैं कि भैया आपका रजिस्टर में से नाम कट गया हो, रजिस्टर से नाम कट गया हो, आप सीज टू बी इन प्रैक्टिस हो। तो ये जो चीज़ें हैं इस केस में आपका कैंसिलेशन हो सकता है COP का। तो COP का कैंसिलेशन कब हो सकता है कि जब आपका रजिस्टर में से नाम कट जाए, जब आप सीज टू बी इन प्रैक्टिस हो, सर्टिफिकेट जो दिया हो या सर्टिफिकेट फॉल्स बेसिस पे दिया हो, और फिर उसके बाद बात आती है कि आपने एनुअल फीस का पेमेंट नहीं करा हो। तो ये सब चीज़ें थी। अब कुछ किस केस में जो है जो रजिस्टर में से नाम रिमूव होता है, तो किस किस केस में रजिस्टर में से नाम रिमूव होता है, जब आपको सेक्शन 8 की डिसेबिलिटी अट्रैक्ट होती है, जब सेक्शन 8 की डिसेबिलिटी अट्रैक्ट होती है तब आपका नाम तो रजिस्टर में से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि कब कब जो है सेक्शन 8 की डिसेबिलिटी अट्रैक्ट होती है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका नाम जो है वो रिमूव हो जाता है, या अगर बोल सकते हैं कि आपका इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो रजिस्टर में आपका नाम ही एंटर नहीं होगा। दोनों चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है सबसे पहले कि आप 21 साल तक के हो, 21 साल तक के हो या अनसाउंड माइंड हो जो डिक्लेयर बाय कोर्ट है, और आपको जो है अनसाउंड माइंड है डिक्लेयर बाय द कोर्ट, या आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो बट आपको सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्चून नहीं मिला है, या आप कन्विक्टेड बाय कोर्ट हो और आपको पार्डन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, या आप रिमूव फ्रॉम मेंबरशिप हो ड्यू टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट। तो बात यह आती है कि अगर आप 21 साल के हो या आप अनसाउंड माइंडेड डिक्लेयर बाय द कोर्ट, आप इंसॉल्वेंट हो पर वो इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो और सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्चून ग्रांट नहीं करा है, या आप कन्विक्टेड बाय कोर्ट हो, तो अगर आप कन्विक्टेड बाय कोर्ट हो पर आपको पार्डन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो इंसॉल्वेंट है वो अनडिस्चार्ज है तो भी दिक्कत है, डिस्चार्ज है पर उसको पार्डन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसको सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्चून नहीं मिला है तो भी दिक्कत है। जब इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है और जब उसको सर्टिफिकेट मिलता है मिसफॉर्चून का सर्टिफिकेट मिलता है, ये बोलता है कि जो ये इंसॉल्वेंसी हुई है ये मिसफॉर्चून के कारण हुई है, तो आप डिस्चार्ज हो गए हो पर अगर आपको मिसफॉर्चून का सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो भी दिक्कत है, तो भी डिसेबिलिटी है, और कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ फॉरेन ऑफेंस और पार्डन सर्टिफिकेट आपको मिला नहीं है, या आपका नाम मेंबरशिप से रिमूव हो गया है, रिमूव फ्रॉम मेंबरशिप ड्यू टू जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट है, तो इस केस में जो है आपका जो है नाम रजिस्टर में से ये डिसेबिलिटी है कि आप CA आप मेंबर के एलिजिबल नहीं हो, ये डिसेबिलिटी है। और कुछ अदर रीजंस हैं तो आप डिसेबल नहीं हो, आप मेंबर के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपका नाम भी रजिस्टर में एंटर नहीं होगा। फिर और कुछ चीज़ें हैं कि आपने फ़ीस का पेमेंट नहीं करा है, डेथ हो गई आपकी, या मेंबर रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो फीस का पेमेंट नहीं करा आपने पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिल जाता है उसका, अगर आप फीस पे करते हो तो आपकी डेथ हो गई है, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, आप एट द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर ने रिक्वेस्ट करा है कि मेरा नाम मेंबर के रजिस्टर में से हटाओ, या एट द ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑर्डर आया है कि इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से रिमूव हो जाना चाहिए, तो ये सब में है, पर इसमें है शैल।
चैलेंज है कि आप जब मेंबरशिप रिमूव फ्रॉम मेंबरशिप, अगर आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट कराया तो मेंबरशिप से तो रिमूव होगा, रजिस्टर में से तो नाम हट जाता है आपका 3 महीने के लिए या कभी लाइफ टाइम के लिए जब आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट करते हो, रजिस्टर में से नाम रिमूव होता है। कन्विक्टेड हो, कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर करा है तो कन्विक्टेड हो, पार्डन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इंसॉल्वेंट हो, सर्टिफिकेट ऑफ इंसॉल्वेंसी नहीं मिला है, और अनसाउंड माइंड हो या 21 साल तक के हो तो आपका नाम तो रजिस्टर में एंटर ही नहीं हो पाएगा। फिर ये बात आती है कि फीस का आपने पेमेंट नहीं करा है, आपकी डेथ हो गई है, कोई सा ऑर्डर वॉर्डर आया है या मेंबर ने खुद ने रिक्वेस्ट करी है तो भी आपको जो है रजिस्टर में आपका नाम एंटर नहीं होगा। पर इधर मे की बात आती है और उधर है शेल। फिर बात आता है सेक्शन 25 ये बोलता है कि नो कंपनी कैन इंगेज इन अकाउंटेंसी, कंपनी अकाउंटेंसी में इंगेज नहीं होती। तो अगर आप देखो तो PwC जो डेलॉयट ये सब है, ये सब फर्म है, ये कोई कंपनीज नहीं है। और अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा है तो 1000 रुपये की पेनल्टी है, और सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट करा है कंटिन्यू तो 5000 की पेनल्टी है। अनक्वालिफाइड पर्सन डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता है, पर अगर डॉक्यूमेंट उसने साइन कर दिए हैं तो जो है पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी है फर्स्ट कन्विक्शन पे 5000 है, तो 1000 पहले ऊपर था, 1000 से 5000 इधर है, 5000 फर्स्ट कन्विक्शन में, 5000 टू 1 लाख पेनल्टी है, और सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो 10000 पर डे, 10000 से 2 लाख तक की पेनल्टी है। तो फर्स्ट कन्विक्शन में 5000 से 1 लाख की पेनल्टी है, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे जो है 10000 से 2 लाख की जो है पेनल्टी है। इसको एक्सप्लेन इस तरीके से किया गया है, इसको बताया इस तरीके से किया है, मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से बताया गया है। हाँ, तो इसको ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट कन्विक्शन में 5000 से 1 लाख तक की 5000 की मिनिमम पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, सब्सिक्वेंट पेनल्टी में 10000 की पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 2 लाख प्लस इम्प्रिजनमेंट होता है 1 ईयर का, अप टू 1 ईयर। तो इस तरीके से जो है अनक्वालिफाइड पर्सन डॉक्यूमेंट साइन नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है, अनक्वालिफाइड पर्सन डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता, मतलब ये जो है ये कॉन्ट्रावेंशन तो कम छोटा कॉन्ट्रावेंशन है 1000 से 5000 जो है, पर क्योंकि 1000 से 5000 ये तो इनफैक्ट छोटा ही कॉन्ट्रावेंशन है। पर बात ये है कि अगर आपने ये वाला कॉन्ट्रावेंशन किया है कि अनक्वालिफाइड पर्सन है डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है, वो CA इन प्रैक्टिस के बिहाफ से साइन कर रहा है डॉक्यूमेंट, तो दिक्कत है। तो इसमें ऐसा है कि 5000 से 1 लाख है, 10000 से 2 लाख है, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। और जो COP, फिर एक पेनल्टी हमने जो है सेक्शन 6 हमने लिखी कि नहीं लिखी, इसमें नहीं लिखी है, पर पेनल्टी ये है कि फर्स्ट कन्विक्शन में 5000 है, सेकंड कन्विक्शन पे, फर्स्ट कन्विक्शन पे 1000 है, सेकंड कन्विक्शन पे 5000 है, यही पेनल्टी है, यही पेनल्टी हर जगह है, पर उधर इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ भी है साथ में सब्सिक्वेंट पेनल्टी पे, और इसमें इम्प्रिजनमेंट है अप टू 1 ईयर है। फिर बात आती है डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। तो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में ऐसा होता है कि मेंबर के अगेंस्ट में कंप्लेंट होती है। अब जब मेंबर के अगेंस्ट में जैसे कंप्लेंट हुई कि जैसे कि रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं करा, अब रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं करा तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन है, ये ग्रॉसली नेग्लिजेंस वाला क्वेश्चन है, तो ये फिर दिक्कत है ना कि इसको डिस्प्यूट में डाले कि ग्रॉसली नेग्लिजेंट वाले में डाले। अभी तक हमने आंसर पढ़ा कि ग्रॉसली नेग्लिजेंट वाले में डालते, बट हो सकता है कि क्लॉज में इतनी क्लियरली थोड़ी ना दिया हुआ रहता है कि नॉट सबमिट रिपोर्ट ऑन टाइम, कि रिपोर्ट जो है आपने टाइम पे सबमिट नहीं करी है, ये जो है वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट में आना चाहिए, किसने लापरवाही बरती है कि डिस्ट्रीब्यूट में जाना चाहिए। तो उस केस में अगर कंप्लेंट करते हैं अगेंस्ट मेंबर तो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट की बात जाता है। डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट जो है वो डायरेक्शन देता है, तो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के अंदर डायरेक्टर होता है क्योंकि नाम में ही डायरेक्टरेट है, तो डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन होता है। और डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन जो है वो प्राइमा फेसी ओपिनियन क्रिएट करता है और डिसाइड करता है कि आप वो फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी है कि सेकंड शेड्यूल में या बोथ शेड्यूल में गिल्टी है। अगर वो फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन वो मैटर को देखती है, अगर सेकंड शेड्यूल या बोथ शेड्यूल में है तो डिसिप्लिनरी कमिटी इस मैटर को देखती है, और अगर गिल्टी होती है तो रिप्रीमाइंड मतलब डांट फटकार पड़ती है, रिमूवल ऑफ नेम होता है 3 महीने के लिए, और इधर लाइफ टाइम के लिए होता है और एनी ड्यूरेशन के लिए होता है वो जो वो डिसाइड करे, और फाइन अप टू 1 लाख रहता है, इधर फाइन अप टू 5 लाख रहता है, तो ऐसा 5 टाइम्स की पेनल्टी है। तो ये जो सेकंड शेड्यूल में अगर आप कवर हुए हो तो सेकंड शेड्यूल में जब आप कवर होते हो तो सेकंड शेड्यूल थोड़ा सा सीवियर है जिससे पेनल्टी ज़्यादा है। आपको अपील करनी है आप अग्रीव्ड हो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के ऑर्डर से या डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर से,
तो उस केस में आप अपील कर सकते हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 90 दिन में, वो कंफर्म मॉडिफाई सेट असाइड कर देगा ऑर्डर को, या इन्हेंस कर देगा या रिड्यूस कर देगा पेनल्टी, वो अपने हिसाब से ऑर्डर करेगा एज इट में डीम्स फिट। फिर कुछ प्रोविजन ऐसे भी आते हैं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट जो शेड्यूल्स में है वो तो है ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट, पर ये जो है ये डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन को रोकता नहीं है टू मेक इंक्वायरी। तो डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन शैल इंक्वायर इनटू कंडक्ट ऑफ एनी मेंबर, कोई सा मेंबर ने कोई सा पर्टिकुलर कंडक्ट करा, अब हो सकता है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट में क्लैरिटी नहीं हो कि ये जो कंडक्ट है ये कौन सी क्लॉज में मिसकंडक्ट में फॉलो होगा, तो उस केस में डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन इसके रिस्पेक्ट में इंक्वायरी कर सकता है। या भले ही वो कोई सा कंडक्ट जो है डायरेक्टर को लग रहा है कि ये कंडक्ट जो है वो प्रॉपर कंडक्ट नहीं है, और भले ही वो क्लॉज में अपेरेंटली दिख नहीं रहा हो कि किस जगह वो मिसकंडक्ट है, आपने पर्टिकुलर कोई सा कंडक्ट करा, अब वो ऐसा दिख नहीं रहा है किसी भी जगह पर किसी भी क्लॉज में कि किस क्लॉज में फिट बैठ रहा है, पर आपको लग रहा है कि ये जो है ये मिसकंडक्ट तो करा है इसने प्रॉपर एक्ट नहीं करा है, तो डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन जो है वो इंक्वायर कर सकता है उस मैटर के रिस्पेक्ट में। मतलब कोई दूसरा पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन को कि मैंने कोई सा पर्टिकुलर एक्ट कराया है वो क्लॉज में तो फॉल नहीं होता है ना, तो अब क्लॉज में फॉल नहीं होता है तो आपको ना तो इंक्वायरी करने वाले, तो डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन इंक्वायरी तो कभी भी कर सकता है। आप मेंबर नहीं हो, मेंबर बता रहे हो, सीओपी नहीं है, आप सीओपी जैसे बता रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, 1,000 से 5,000 तक की पेनल्टी है और 6 महीने तक की जेल है, तो ऐसा 5 टाइम्स इधर भी 5 टाइम्स है। ब्रांच ऑफिस में है तो ब्रांच ऑफिस में हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले ऑफिस क्या होता है, तो ऑफिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर नेम बोर्ड फिक्स होता है खुद का या तो फॉर्म का, और खुद का फॉर्म का जो है नेम बोर्ड है ये नेम बोर्ड फिक्स होता है, और बकायदा जो है लेटर हेड में भी उस ब्रांच ऑफिस का नाम बताए जाते हैं। अब जो है फॉर्म का नेम बोर्ड जो है वो इंडिविजुअल के प्लेस ऑफ रेसिडेंस में नहीं जाता, तो इंडिविजुअल के जो रेसिडेंस प्लेस है उसमें सिर्फ इंडिविजुअल का नाम जाएगा और फॉर्म का नेम बोर्ड नहीं जाएगा, तो फॉर्म का नेम बोर्ड कभी नहीं जाता। और जब एक से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस हो तो आपको एक सेपरेट इंचार्ज अपॉइंट करना पड़ता है, वो सेपरेट इंचार्ज भी एक मेंबर होना चाहिए जो या तो पार्टनर हो और या तो एम्प्लॉय हो, तो सीए इन प्रैक्टिस एम्प्लॉय भी बन सकता है, अभी अपन ने पढ़ा है क्लॉज 11 में, तो जो मेंबर इन प्रैक्टिस है साथ में उसका पार्टनर या एम्प्लॉय होना जरूरी है। अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सेपरेट इंचार्ज हो सकते हैं, तो उसको अब सेपरेट इंचार्ज हो सकते हैं तो उसको एक्टिवली एसोसिएट रहना पड़ता है एटलीस्ट 182 डेज़ के लिए, या विजिट कर सकते हैं ऑफिस फॉर मोर देन इक्वल टू 182 डेज़। तो क्या बोला गया है कि एक्टिवली एसोसिएट करना, एक्टिवली एसोसिएट करने का मतलब यह है कि आप उस सिटी में रह रहे हो जिस सिटी में ऑफिस है और आप मोर देन इक्वल टू 182 डेज़ उस ऑफिस को अटेंड करते हो, या आपका ऑफिस जो है और आपका सिटी ऑफ रेजिडेंसी या दोनों अलग अलग सिटीज़ है, तो आप अपनी रेजिडेंस वाली सिटी से आकर ऑफिस वाली सिटीज़ में आते हो और वहाँ पर आप अटेंड करते हो ऑफिस 182 डेज़ से मोर उससे ज़्यादा, तो आपको बोला जाएगा सेपरेट इंचार्ज। और क्योंकि सेपरेट इंचार्ज में दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो मेंबर भी होना चाहिए और वो पार्टनर या एम्प्लॉय होना चाहिए, और प्लस उसको एक्टिवली एसोसिएट होना चाहिए, अदरवाइज वो किसी काम का ही नहीं है। तो अब बात ये है कि सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए। अब उसके एक्सेप्शन है कि किस किस स्टेज में किस किस जब जब ऑफिस क्रिएट होता है तब सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए। अब जो सेपरेट इंचार्ज है वो सेपरेट इंचार्ज मेंबर होना चाहिए। तो मेंबर की बात करिए, मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिटायर्ड प्रोफेशनल, तो जो रिटायर्ड प्रोफेशनल है वो रिटायर्ड प्रोफेशनल जो है रिटायर्ड प्रोफेशनल आपका सेपरेट इंचार्ज है, तो नहीं, रिटायर्ड प्रोफेशनल सेपरेट इंचार्ज नहीं बन सकता, आईटी ऑफिसर सेपरेट इंचार्ज नहीं बन सकता। सेपरेट इंचार्ज में ज़रूरी क्या है कि उसको मेंबर होना चाहिए, वो एम्प्लॉय या पार्टनर होना चाहिए, प्लस उसको एक्टिवली एसोसिएट होना चाहिए, तो मेंबर एक प्राइमा फेसी कंडीशन है। तो हर ऑफिस में एक सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि जब एक से ज़्यादा ऑफिस हो तब भी सेपरेट इंचार्ज की ज़रूरत नहीं है। पहला एक्सेप्शन ये है जब आपका ऑफिस हिली एरियाज़ में हो। अब जब आपका ऑफिस होता है हिली एरियाज़ में तो आपको विंटर सीज़न में एक ऑफिस ओपन करना पड़ता है प्लेन्स में। जब आपको विंटर सीज़न में ऑफिस ओपन करना पड़ता है तो आपको बकायदा इंस्टीट्यूट को कम्युनिकेट करना पड़ता है ताकि हमको एक ऑफिस जो है वो प्लेन में ओपन करना है। आपको वो जो पर्टिकुलर ऑफिस है वो टेम्प्ररी ऑफिस आपको ओपन करना पड़ेगा। फर्म का नेम बोर्ड हिली एरियाज़ में से नहीं हटेगा ना, तो और नहीं तो जो टेम्प्ररी ऑफिस का जो ऑफिस एड्रेस है आपके जो है लेटर और डॉक्यूमेंट्स में उसको डिस्प्ले करेंगे।
जो मेन ऑफिस है हीली एरिया में, उसके नेम बोर्ड को क्लोज नहीं किया जाएगा। वो इसलिए क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट और लेटर वेटर का डॉक्यूमेंटेशन, लेटर और डॉक्यूमेंट का सबमिशन उधर ही होगा। तो वो हीली एरियाज़ को जो है क्लोज़ नहीं करेंगे, टेम्प्रेरी ऑफिस को ओपन करेंगे। उस ऑफिस का एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट में नहीं जाएगा। ये विंटर सीज़न में ऐसा होता है, ड्यूरिंग विंटर सीज़न। और ये बोला जाता है कि 3 महीने तक जो है आपको, 3 महीने तक आप इसको ओपन कर सकते हो टेम्प्रेरी ऑफिस को। जब आपने टेम्प्रेरी ऑफिस ओपन कराया है तो 1 महीने के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है। फिर आपने अगर 3 महीने के अंदर टेम्प्रेरी ऑफिस आपको क्लोज़ करना पड़ता है, फिर आपको वापस शिफ्ट होना पड़ता है हिली एरिया में, तो जो है आप 1 महीने के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। और ठीक है, और फिर एक और सिचुएशन है सेकेंड ऑफिस। जब आपका सेकेंड ऑफिस की बात करें कि अगर आपका दूसरा ऑफिस आपका जी हिली एरिया से अलग है, इससे एक्सेप्शन, ये एक और एक्सेप्शन है जो ये शो करता है कि आपका भले ही ऑफिस एक से ज़्यादा हो, पर उस केस में आपको सेपरेट इंचार्ज अपॉइंट नहीं करना है। ये तब आता है जब आपका सेकेंड ऑफिस हो, वो सेकेंड ऑफिस या तो उसी सिटी में हो या तो उसी पर्टिकुलर प्रीमाइस में हो, या विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट हो। तो जब उसी प्रीमाइस में हो, उसी सिटी में हो, या तो 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट हो, तो उसी प्रीमाइस में हो, उसी सिटी में हो, उसी प्रीमाइस में हो, या तो 50 किलोमीटर फ्रॉम म्यूनसिपल लिमिट है, तो उस केस में म्यूनसिपल लिमिट में, हम उसको सबर्ब्स को भी म्यूनसिपल लिमिट ही बोलते हैं। तो अगर उसी सिटी में है या उसी प्रीमाइस में है या 50 किलोमीटर की दूरी में है फ्रॉम द सबर्ब फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट, तो उस केस में भी आपको सेपरेट इंचार्ज अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो है सीए एक्ट के प्रोविजंस ख़त्म करे हैं। अब बात आती है काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की। हार्डली 2-3 पेज बचे हैं, ईजी है, इसको हम फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में ऐसा बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। चैप्टर 5 ये बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, तो आपको बकायदा कैश बुक और लेजर मेंटेन करने पड़ते हैं। इररिस्पेक्ट आपको 44AA एप्लीकेबल होता है नहीं होता है, पर आपको कैश बुक और लेजर अकाउंट मेंटेन करने हैं। मतलब अगर आप मोबाइल पे नोट्स बनाते हो या आप रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ही बनाते हो, सिर्फ आप लूज पेपर में नोट्स बनाते हो तो वो नहीं चलेगा, आपको कैश बुक और लेजर बनाना है, ये चैप्टर 5 बोलता है। एक और है कि अगर सी एन प्रैक्टिस रिलेटिव है और उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो आप उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, जो हमने क्लॉज 4 में पढ़ा है, Schedule 2 Part 1 क्लॉज 4 में हमने ये सब चीज़ें देखी है कि आपके रिलेटिव का किसी एंटिटी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो आप उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। और फिर टैक्स ऑडिट लिमिट है, तो टैक्स ऑडिट लिमिट में बोला है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी हो, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी हो, किसी भी कैपेसिटी में सहार्ट ऑडिट से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 44AD AE AF के ऑडिट नहीं आते हैं। HR ब्रांच का सिर्फ एक ही ऑडिट होता है। अगर एक फर्म में 2 जने पार्टनर है तो फर्म 120 ऑडिट कर सकती है, और फर्म 120 ऑडिट कर सकती है, और एक पर्सन जो है वो 60 ऑडिट से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। पर एक पार्टनर उस 120 ऑडिट पे साइन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। तो साइनिंग पार्टनर आप कितने के भी हो सकते हो, तो वन पार्टनर कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, पर वन पार्टनर कैन ऑडिट ओनली 60 ऑडिट्स। HO ब्रांच को एक ऑडिट माना जाएगा, 2 ब्रांच को एक ऑडिट माना जाएगा, और फुल टाइम CA इन प्रैक्टिस होना चाहिए। जब जॉइंट ऑडिट होता है तो एक एक दोनों के मान लिए जाते हैं। ऑडिटर को जो है अपनी फीस जो है वो प्रोग्रेसिव बेसिस पे रिकवर करना चाहिए। अगर उसने प्रोग्रेसिव बेसिस पे फीस रिकवर नहीं करी, अगर उसने अब जो है अपनी फीस प्रोग्रेसिव बेसिस पे रिकवर नहीं करी, या उसने फीस को ऐसी एडवांस ली है, तो उस केस में वो इनडेप्ट माना जाता है। वो ऐसा बोला जाता है कि ऑडिटर इनडेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनडेप्ट एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। मिनिमम फीस कुछ सजेस्ट करी है, वो रिकमेंडेटरी है। अगर आपको इससे कम फीस रखनी है तो आप इससे कम फीस रख सकते हो। इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, मिनिमम फीस जो है वो रिकमेंडेटरी है, अगर आपको कम फीस रखनी है आप कम फीस रख सकते हो। फिर बोला है कि अगर ऑडिटर इनडेप्टेड है टू कंसर्न, तो या तो ऐसा बोला है कि या तो आप इंडेप्टेड हो, या आपने गारंटी देके रखी है, या आपने सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है इन, अगर आपने या तो आपने सिक्योरिटी देके रखी है इन कनेक्शन विद थर्ड पर्सन, तो ये बोला गया है कि अगर आप इंडेप्टेड हो टू कंसर्न, आप इंडेप्टेड हो टू कंसर्न, या आपने गारंटी देके रखी है, या आपने सिक्योरिटी देके रखी है इन कनेक्शन विद थर्ड पर्सन, तो 10,000 तक की लिमिट है। आप 10,000 तक के लिए इंडेप्टेड हो सकते हो, या गारंटी दे सकते हो, या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो फॉर अदर देन कंपनीज। मतलब फॉर अदर देन कंपनीज का मतलब ये है कि कंपनी, अगर क्लाइंट आपकी कंपनी है
तो वही तो कंपनी ऑडिट के प्रोविजन लग जाएंगे। पर अगर क्लाइंट अदर देन कंपनी है तो उस केस में जो है इनडेपनेस जो है गारंटी या सिक्योरिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन आप 10,000 तक का रख सकते हो। तो इसलिए बोला गया है कि अगर ऑडिटर रिकवर कर रहा है फीस एडवांस में तो ध्यान रखना इनडेपनेस 10,000 के ऊपर नहीं जाए, क्योंकि अगर इनडेपनेस टू कंसर्न 10,000 के ऊपर जाएगी तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। फिर सेल्फ रेगुलेटरी मेजर है। सेल्फ रेगुलेटरी मेजर में कुछ ऐसा है कि ब्रांच जो ऑडिटर है, तो ब्रांच ऑडिट जो है कंपनी की जो एचओ होता है ब्रांच होता है, तो एचओ का ऑडिट स्टैचुटरी ऑडिटर करता है जिसमें मोर देन इक्वल टू 10 मेंबर होते हैं। पर बोला ही जाता है कि जब ये स्टैचुटरी ऑडिटर जो है, अब एचओ वो एचओ का ऑडिट करता है, जब उसको ब्रांच का ऑडिट करना हो तो स्टैचुटरी ऑडिटर भी कर सकता है, पर प्रेफरेबल ये है कि आप ब्रांच ऑडिटर से करवाओ, एक स्मॉल लोकल फर्म से कराओ ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो स्मॉल लोकल फर्म से करवा सकते हैं जहाँ पे मोर देन इक्वल टू 5 मेंबर्स हो, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे जहाँ पे लेस देन 5 मेंबर हो, तो स्मॉल फर्म जहाँ पे लेस देन 5 मेंबर हो वो ऑडिट कर सकते हैं, तो मतलब ये रिकमेंडेटरी है कि आपको बेटर है कि आप उनसे ऑडिट करवाओ ताकि जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह मिले, ऐसा बोला गया है, ताकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो हर जगह मिले। तो क्या बोला गया है कि जो ब्रांच ऑडिट है, ब्रांच ऑडिट कंपनी का स्टैचुटरी ऑडिटर से करवाने के अलावा बेटर है कि आप स्मॉल लोकल फर्म्स को चांस दें, स्मॉल लोकल फर्म जिसके अंदर 5 से कम मेंबर है। पर हाँ, ब्रांच ऑडिटर की अगर ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट एचओ में रखी जाती है या पर्टिकुलर जो ब्रांच ऑडिट है वो ब्रांच है वो सिग्निफिकेंट ब्रांच है, तो उस केस में स्टैचुटरी ऑडिटर जो है इसमें स्टैचुटरी ऑडिटर करेगा ऑडिट। फिर बोला जाता है कि नॉन क्वालिफाइड प्रोफेशनल टू क्वालिफाइड मेंबर, तो एक क्वालिफाइड मेंबर के अंडर में 5 नॉन क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड मेंबर होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और नॉन क्वालिफाइड मेंबर एक्सक्लूड आर्टिकल प्यून ऑडिट क्लर्क और अदर पर्सन। तो बोला गया है कि जैसे आर्टिकल्स होते हैं तो आर्टिकल्स तो कितने भी हो सकते हैं, प्यून कितने भी हो सकते हैं, ऑडिट क्लर्क कितने भी हो सकते हैं, पर ये बोला गया है कि एक क्वालिफाइड पर्सन के अंडर में 5 अप टू 5 जो है नॉन क्वालिफाइड पर्सन चलेगा, पर उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज क्वालिफाइड पर्सन तो अपना काम ही नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपरली वो ध्यान भी नहीं दे पाएगा। अब फिर हमने पढ़ा था कि जब हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है तो क्लाइंट तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कॉर्पोरेट भी हो सकता है, नॉन कॉर्पोरेट भी हो सकता है, मतलब प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ये सब भी हो सकती है। पर जब इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेट हो, नॉन कॉर्पोरेट हो, हम तीनों केस में उनसे उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन तो लेते ही लेते हैं, पर साथ में हम उसकी स्टैचुटरी इन्फॉर्मेशन और रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब सिंस इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में कोई स्टैचुटरी और रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में कोई स्टैचुटरी एंड रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर कॉर्पोरेट केस में हमको स्टैचुटरी और रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो हमने क्या पढ़ा कि जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ कॉर्पोरेट में स्टैचुटरी एंड रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, और जो इंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन है तो इंगेजमेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ती है। फिर हमने पढ़ा लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी एक्वायर इन जनरल इन्फॉर्मेशन। जब हम जनरल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन में ध्यान रखना कि नाम, एड्रेस ये सब तो आप लोगे ही लोगे, साथ में लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लेना। नेम ले रहे, नेम ऑफ इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल का नेम, पार्टनर के केस में पार्टनर का नेम, वो जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। अब कॉर्पोरेट केस में, कॉर्पोरेट केस में नेम ऑफ द कंपनी, डिन नंबर, अभी जो डिन नंबर है स्टैचुटरी इन्फॉर्मेशन है, पर डायरेक्टर्स का नाम जो है ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो नेम ऑफ द कंपनी डिन, ये डिन है, ये स्टैचुटरी इन्फॉर्मेशन है, ये स्टैचुटरी इन्फॉर्मेशन के तहत आपको लेनी पड़ती है, और बाकी नेम ऑफ द डायरेक्टर वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स की गाइडलाइंस थी। अब कुछ KYC के नॉर्म्स है, कुछ KYC के नॉर्म्स इसे हैं कि इसमें ऐसा KYC के नॉर्म्स क्या शो करते हैं, KYC नॉर्म्स मतलब नो योर कस्टमर, जो नो योर क्लाइंट। तो बोला गया है कि जो फाइनेंशियल सर्विस की जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है वो ग्लोबली रिक्वायर्ड है, ग्लोबली इन सर्विसेज जो इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबली रिक्वायर्ड है, हेंस इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम क्लाइंट। तो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, तो जो इंडस्ट्री है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है वो ग्लोबली रिक्वायर्ड है, हैंस इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन फ्रॉम क्लाइंट, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट से ऑप्टेन करते हैं कंप्लाई विद द KYC नॉर्म। अब सिंस वो ग्लोबली रिक्वायर्ड है तो जो से जो जो हम इन्फॉर्मेशन उनसे ऑप्टेन करते हैं उसको KYC नॉर्म से फॉलो करने पड़ेंगे, विच ICI मेंबर में हैव टू फॉलो, और ICI के मेंबर को भी फॉलो करना है। ICI के मेंबर को इसलिए फॉलो करना है वो KYC नॉर्म क्योंकि ICI के मेंबर भी उस फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री से पार्ट है, तो जब वो क्लाइंट से कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो उसको KYC नॉर्म्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। अब KYC नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, एक इक्विटेबल फ्लो ऑफ वर्क रहेगा,
इन्हेंसमेंट ऑफ प्रेस्टीज और प्रोफेशन, सबसे पहले आपने KYC नॉर्म्स फॉलो करे। तो आप कोई से नॉर्म्स और स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो एक प्रेस्टीज और इन्हेंसमेंट होता है, प्रेस्टीज का इन्हेंसमेंट होता है, हेल्दी ग्रोथ होती है प्रोफेशन की, रेपुटेशन बढ़ती है और इक्विटेबल फ्लो ऑफ वर्क होता है। तो हेल्दी ग्रोथ होती है प्रोफेशन की क्योंकि प्रोफेशन आप एक स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो तो हेल्दी ग्रोथ होती है प्रोफेशन की क्योंकि आप स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो तो हेल्दी ग्रोथ हुई प्रोफेशन की, और एक रिस्पेक्ट क्रिएट होती है, प्रेस्टीज इन्हेंसमेंट होता है, एक हेल्दी ग्रोथ होती है, प्रेस्टीज इन्हेंसमेंट होता है, हेल्दी ग्रोथ होती है, प्रेस्टीज इन्हेंसमेंट होता है, बकायदा इक्विटेबल फ्लो ऑफ वर्क होता है। फिर ऑडिट ऑफ लार्ज कंपनी की रिस्पेक्ट में बात करी थी कि जब लार्ज कंपनी का ऑडिट हो तो लार्ज कंपनी के जो लोग हैं वो जब जॉइंट ऑडिटर की अगर उनको ज़रूरत पड़े लार्ज कंपनी के ऑडिट में तो जॉइंट ऑडिटर में वो ऐसा करे लेस देन 5 मेंबर्स वाली जो फर्म से उस फर्म को सिलेक्ट करे, और सीनियर फर्म शुडन ऑब्जेक्ट से। अगर जो है कंपनी जॉइंट ऑडिट करवाना चाह रही है तो जॉइंट ऑडिटर में कोई दूसरा ऑडिटर है वो लेस देन 5 मेंबर का चूज़ करना चाहिए, और जो सीनियर फर्म है जो लार्ज कंपनी जो सीनियर फर्म उसको इसको ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको पर्टिकुलर कंपनी को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप जॉइंट ऑडिटर में इतनी छोटी फर्म को क्यों चूज़ कर रहे हो कि हम इतनी बड़ी फर्म है हम इतनी छोटी फर्म के साथ काम नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है कि जो लार्ज कंपनीज है उनको ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए अगर कंपनी जॉइंट ऑडिटर में किसी छोटी फर्म को चूज़ कर रही हो तो। वो कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे, जैसे कि चैप्टर 5 ये बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ते हैं, कैश बुक और रिकॉर्ड आपको रखने पड़ते हैं। क्वेश्चन ऐसा आया था काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन आया था जिसमें ऐसा बोल के रखा है कि हमने शेड्यूल टू पार्ट टू और क्लॉज 1 पढ़ा है, शेड्यूल टू पार्ट टू क्लॉज 1 में ये पढ़ा है कि आपको प्रोविजंस रेगुलेशन अगर गाइडलाइंस आपने फॉलो नहीं करी तो आप मिसकंडक्ट में मान लिया जाता हो, तो सीए शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो प्रोफेशनल प्रोविजंस रेगुलेशन गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है तो। तो इसमें भी ऐसे ही बोल के रखा था कि सीए इन प्रैक्टिस जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा इफ़ ही होल्ड एट एनी टाइम अपॉइंटमेंट मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट, अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट है जो कि 60 है वो 60 से ज़्यादा या स्टैचुटरी ऑडिट में 20 से ज़्यादा अगर आप उसमें से 10 अगर 20 से ज़्यादा जो है अगर आपने ऑडिट असाइनमेंट होल्ड करे तो आप गिल्टी मान लिए जाते हो, और आपको जो रिकॉर्ड्स है जो ऑडिट के रिकॉर्ड्स है वो ऑडिट के रिकॉर्ड्स आपको पर्टिकुलर मैट फॉर्मेट में मेंटेन करने पड़ते हैं। तो सी एन प्रैक्टिस हैज़ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड लेट डाउन इन गाइडलाइन, तो गाइडलाइन ने पर्टिकुलर फॉर्मेट दे के रखा है, वो फॉर्मेट क्या है कि सीरियल नंबर 1 और 2 की कौन कौन से ऑडिट कर रहे हो वो सीरियल नंबर में शो करो, किस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उन कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जो भी सिन नंबर है वो क्या है, आप उस कंपनी में अपॉइंट कब हुए हो, अपॉइंट हुए हो आपने एक्सेप्ट कब करा है, अपॉइंट हुए हो एक्सेप्ट कब करा है, और कब आपने जो है प्रिस्क्राइब फॉर्म रजिस्ट्रार को फाइल करा है, तो अपॉइंट कब करे हो एक्सेप्ट कब करा है और कब आपने रजिस्ट्रार को प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर फॉर्म फाइल करा है, और ये जो है एक्सपायरी इस टेन्योर की एक्सपायरी कब होने वाली है, तो इस तरीके से जो है एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है और फॉर्मेट बना के जो है पर्टिकुलर ये क्वेश्चन करना पड़ता है। तो हमने क्या पढ़ा भैया कि चैप्टर 8 बोलता है कि मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा अगर आप होल्ड कर रहे हो असाइनमेंट मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ असाइनमेंट, तो आप होल्ड कर रहे हो तो आप मिसकंडक्ट में मान लिया जाते हो, तो उससे ही बचने के लिए उसको ही ट्रैक करने के लिए कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट से मेरा ऑडिट असाइनमेंट ज़्यादा है कि नहीं है उसको ही ट्रैक करने के लिए उसको ही पर्टिकुलर ट्रैक करने के लिए हमको एक रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, हमको रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, और रिकॉर्ड्स में क्या बोल के रखा है कि रिकॉर्ड्स में हमको क्या बनाना पड़ता है कि सीरियल नेम ऑफ कंपनी, सीरियल नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपॉइंटमेंट की डेट क्या है, एक्सेप्टेंस की डेट क्या है, क्या हमने रजिस्ट्रार को टाइमली कम्युनिकेट करा है कि नहीं करा है, एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, टेन्योर कब ख़त्म होने वाला है, तो ये सब चीज़ें जो है हमको साथ में बतानी पड़ती है। हमने लार्ज कंपनी में बात करा था कि लार्ज कंपनी अगर छोटे स्मॉल कंपनीज को चूज़ करे ऐसा जॉइंट ऑडिटर ऑफ लेस देन 5 मेंबर तो सीनियर फर्म को जो ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, एक इक्विटेबल फ्लो ऑफ वर्क रहता है अगर हम KYC नॉर्म फॉलो करते तो, एक रेपुटेशन होती है, हेल्दी ग्रोथ होता है, तो एक रेपुटेशन होती है, एक रेपुटेशन प्रेस्टीज क्रिएट होता है, एक इन्हेंसमेंट हेल्दी ग्रोथ होती है, रेपुटेशन मिलता है और इक्विटेबल फ्लो ऑफ वर्क होता है, और तो इसमें हेल्दी ग्रोथ है एच से हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्रोफेशन है और इक्विटेबल फ्लो ऑफ वर्क है और इन्हेंसमेंट ऑफ प्रेस्टीजन जो है प्रेस्टीजन प्रोफेशन है, तो इस तरीके से इसका निमोनिक बन जाता है ही, इसका निमोनिक इधर ऐसा बन जाता है। फिर बात आती है कि जो हमने पढ़ा कि जनरल इन्फॉर्मेशन
और जनरल इन्फॉर्मेशन, स्टैचुटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको लेनी पड़ती है, और लास्ट ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, डिन नंबर लेना है, स्टैचुटरी इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टर की जानकारी लेना है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, नॉन क्वालिफाइड टू क्वालिफाइड मेंबर 5 एक्सक्लूजन है, पार्टनर्स सॉरी आर्टिकल प्यून ऑडिटर ये सब एक्सेप्शन है। स्टैचुटरी ऑडिटर जो मोर देन 10 मेंबर्स की है उनको ब्रांच ऑडिट के लिए ट्राई करना चाहिए कि वो स्मॉल लोकल फर्म से वो काम कर रहा है। तो स्मॉल लोकल फर्म जो होते हैं वो लेस देन 5 मेंबर्स की फर्म होती है, और ब्रांच रिकॉर्ड अगर HMA मेंटेन हो, तो अगर सिग्निफिकेंट ब्रांच हो तो वो भी ऑडिट करे तो चलेगा। फिर मिनिमम फीस की हमने बात करी थी, मिनिमम फीस जो है उस वो रिकमेंडेटरी से कम भी आप चार्ज कर सकते हो। इनडेप्टनेस की बात करी थी कि अगर क्लाइंट अदर देन कंपनी है तो 10,000 तक का इनडेप्टनेस होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर काउंसिल जनरल गाइडलाइन में हमने पढ़ा था कि HO ब्रांच को एक ऑडिट मानते हैं, दो ब्रांच का एक ऑडिट मानते हैं, और सहार ऑडिट से आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। 44AD AEAF के आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, और रिलेटिव वाला एक था कि आप अगर रिलेटिव हो और आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है एंटिटी में तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप ओपिनियन नहीं दे सकते हो, और कैश बुक लेजर में आपको मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट रखना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ 44AA, और फुल टाइम CA इंटरेस्ट होना चाहिए, और जॉइंट ऑडिटर में 1:1 का रेशियो चलता है, और वन पार्टनर साइनिंग पार्टनर हो सकता है, सबके बिहाफ पे वो साइन कर सकता है। फिर कुछ सेक्शंस हमने पढ़े थे, ब्रांच ऑफिस में सेक्शन पढ़ा था 50 किलोमीटर तक आप जो है सेपरेट इंचार्ज नहीं भी अपॉइंट करो तो चलेगा। सेपरेट इंचार्ज में हमने पढ़ा था कि जो मेंबर होते हैं मेंबर का पार्टनर एम्प्लॉय होना जरूरी है, और प्लस उसका एक्टिवली एसोसिएट होना जरूरी है, तो कोई सा रिटायर्ड ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन सकता सेपरेट इंचार्ज। फिर हमने कुछ पेनल्टीज पढ़ी थी कि 1,000 तक की पेनल्टी मिनिमम, मैक्सिमम 5,000 है ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, इंप्रिजनमेंट 6 महीने का। अगर आपके पास COP नहीं हो, COP जैसे दिखा रहे हो, मेंबर नहीं हो, मेंबर जैसे दिखा रहे हो, डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन को कभी भी इंक्वायरी करनी हो तो वो इंक्वायरी कर सकता है ऑफ द मैटर्स विच रिलेट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट। और फिर हमने डिसिप्लिनरी बोर्ड ऑफ हमने देखा था कि डिसिप्लिनरी डायरेक्टर होता है, उसके अंदर डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन होता है, फिर वो केस रेफर करता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को या डिसिप्लिनरी कमेटी को, फिर उस केस में वो जो डिसीजन देते हैं उससे फिर वो उसके उसके डिसीजन पे हम अपील कर सकते हैं 90 दिन में। और फिर हमने बात करी थी कि कब रजिस्टर में से नाम रिमूवल हो जाता है, और अगर कंपनी नहीं है, अगर कंपनी जो है वो अकाउंटेंसी जैसी प्रैक्टिस कर रही है तो उसमें 1,000 से 5,000 तक की पेनल्टी है, और फिर 5,000 से 1,00,000 और 10,000 से 2,00,000 है पेनल्टी। जब अनक्वालिफाइड जो पर्सन है वो साइन कर रहे डॉक्यूमेंट, अनक्वालिफाइड पर्सन जो है प्रोफेशनल पर्सन के बिहाफ पे साइन नहीं कर सकते, CA प्रैक्टिस के बिहाफ पे जो है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते, पर अगर उन्होंने साइन किया है तो इधर वो गिल्टी हो जाते हैं। और मेंबर का नाम जो है रजिस्टर में से रिमूव होता है तो कैंसिलेशन हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो गए हो तो मेंबर का नाम जो है रजिस्टर में से रिमूव हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो, सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्च्यून नहीं मिला है, कन्विक्टेड हो पर पार्डन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो इस केस में जो है आपको रिमूवल हो जाता है आपका नाम रजिस्टर में से। फिर हमने देखा है कि पर्सनल रिक्रूटमेंट की सर्विस दे सकते हैं, पर्सनल को हायर कर सकते हैं, वेज प्लान को जो है सेटअप कर सकते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं, सेटअप करने में मदद कर सकते हैं वेज प्लान को पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ जो मेंबर है उसको पर्टिकुलर जो है मेंबर जो है जब तक COP नहीं मिला वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और जो पर्टिकुलर मेंबर है वो अगर उसका नाम सस्पेंडेड है, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट सरेंडर्ड है, तो डेट डजेंट मीन कि उसको नॉर्म फॉलो नहीं करने हैं, उसका सिर्फ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट सरेंडर है, उसको फिर भी प्रोविजंस और गाइडलाइंस तो फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब वो पर्टिकुलर एंगेजमेंट किसी दूसरी कैपेसिटी में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेंबर है वो ITAT में अगर अपने आपको रिप्रेजेंट करा है तो ऐसा CA ही रिप्रेजेंट करेगा। और फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अंडरराइटिंग और ब्रोकिंग की सर्विस नहीं दे सकता। और फिर बात आती है कि आप एडवाइजर टू इशू हो सकते हो, और लिस्टिंग मदद कराने में हेल्प कर सकते हो, सिलेक्शन करवाने में कि आपको वेरियस एजेंसी सिलेक्ट करनी है किससे हम अंडरराइटिंग करवाएं वो कर सकते हो, पोस्ट इश्यूज एक्टिविटीज़ में बजट प्रिपरेशन करने में मदद कर सकते हो, आप कंसल्टेंट बन सकते हो पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते हो पर रिकवरी को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, और आप सर्विसेज रेंडर कर सकते हो, प्रैक्टिस अकाउंटेंसी की सर्विस, ऑडिटिंग की सर्विस, वेरिफिकेशन की ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर्टिफिकेशन की,
असिस्टेंस दे रहे हो कि अकाउंटिंग प्रोसीजर कौन सी फॉलो करनी है रिलेटिंग टू अकाउंटेंसी प्रोसीजर, असिस्टेंस रिलेटिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट और डेटा। तो यह सब चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी है। तो इस तरीके से जो हमारा है खत्म होती है। जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स में तो बताया इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी थी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी थी, प्रोफेशनल बिहेवियर था और कॉन्फिडेंशियलिटी थी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण अगर आपका जजमेंट अफेक्ट हो रहा है तो ऑब्जेक्टिविटी, अगर आपकी ओपिनियन अफेक्ट कर रहे हो तो इसका इंडिपेंडेंस की बात आती है, इस पर MCQ था। फिर उस पर कुछ थ्रेट होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब मनी पावर है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है और फैमिलियरिटी थ्रेट है मतलब बिहेवियरल है थोड़ा सा, एडवोकेसी थ्रेट है, इंटीमिडेशन थ्रेट है। इंटीमिडेशन थ्रेट में ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको धमका रहा है, प्रेशर कर रहा है कि आपके काम को रिड्यूस कर देंगे, धमका रहा है कि आपकी फ़ीस को कम कर देंगे, लिटिगेशन कर देंगे, तो ये थ्रेट है। इसमें बाकायदा सेफ गार्ड होते हैं, जो इंस्टीट्यूट ने कुछ सेफ गार्ड इशू करे हैं, फॉर्म कुछ सेफ गार्ड इशू करता है और जो इंगेजमेंट के स्पेसिफिक कुछ सेफ गार्ड से जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, पॉलिसीज़ को कम्युनिकेट करना पड़ता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ करना पड़ता है, अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच होना चाहिए और ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो क्लियरली डिसर्नेबल हो। प्रॉपर मैनेजमेंट और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, और एक लाइन ऑफ रिलेशनशिप शो होनी चाहिए जो क्लियरली डिसर्नेबल हो। तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर चीज़ को कवर करा है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि शेड्यूल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए और जिस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आए गए हैं, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। तो होप सो आपको समझ में आया होगा और कुछ भी अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में डाउट हो तो बाकायदा आप कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इसमें कमी है, किस तरीके से इसको बेटर कर सकते हैं, आप वो बता दीजिएगा, उस पर फॉलोअप लिया जाएगा। तो थैंक यू और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।